ड्राई डे के दिन शराब की बिक्री करने वाले तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 60 लीटर अवैध शराब जब्त। बता दें कि 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घोषित ड्राई डे के दिन खुलेआम शराब की अवैध बिक्री का मामला प्रकाश में आया है। शराब बिक्री की सूचना मिलते ही मऊगंज एसटीओपी अंकिता सोलिया के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बहरा डावर में दबिश देकर 60 लीटर से अधिक की शराब जब्त की और एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस लाई गई शराब की खेप के संबंध में पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस पर घोषित ड्राई डे पर कलेक्टर के आदेश जारी करते हुए मदिरा बिक्री एवं परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जिले के बहरा डाबर में प्रतिबंध के बावजूद भी शराब की बिक्री हो रही थी। मऊगंज एसपी रचना ठाकुर व एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के निर्देशन पर एवं एसटीओपी अंकिता सूलिया के मार्गदर्शन में निरीक्षक गिरीश ध्रुवे एवं एसआई भैयामान सिंह ने पुलिस बल के साथ बहरा डाबर गाँव में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने शिव आकाश सिंह निवासी बहरा डाबर के कब्जे से 7 नग कार्टून में 7 लीटर से अधिक की शराब जब्त की है। वहीं पुलिस ने कई अन्य जगहों में भी शराब बिक्री पर कार्रवाई की है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। आज 15 अगस्त को ड्राई डे रहता है, इस दौरान कुछ अवैध कारोबारी शराब बेचने की कोशिश करते हैं। उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसडीओपी मऊगंज के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पृथक पृथक स्थानों से शराब की जब्ती हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जगह 60 लीटर से ऊपर जब्त किए तकरीबन, एवं दूसरी जगह से 8-10 लीटर की गई है, उसकी अभी जांच जारी है और विवेचना में अनुसंधान में लिया गया है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? प्रत्येक जगह से पृथक पृथक एक एक आरोपी गिरफ्तार किया है। शराब कहाँ से आई? अब ये अनुसंधान का विषय, इसकी जांच की जा रही है कि कहाँ से आई, किस बैच नंबर की थी, कौन लेके आया, कहाँ से सप्लाई हुई है। ये अनुसंधान, बिल्कुल अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।